अभी हम लोग हजारीबाग के सबसे पुरानी लाइब्रेरी एक मणि भवन में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नए अंदाज में बन चुका है, और नीचे मेरे पीछे आप देखिए पूरा लाइट्स के साथ नया तरीके से सजाया गया है लाइब्रेरी को। और थोड़ा कम आवाज़ में हम लोग बात करेंगे क्योंकि लाइब्रेरी है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप दिखा सकेंगे देखिए आजकल तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएँ यहाँ पर विभिन्न किताबों को लेकर। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, पहले आपको लाइब्रेरी हम दिखा देते हैं कैसी लाइब्रेरी है। और एक नया जो बन चुका है हजारीबाग का जो लाइब्रेरी, पुराना लाइब्रेरी था और एक नया अंदाज इसका बन चुका है, और नई किताबें यहाँ पर आई हुई है। कल DC मैडम जयंत सिन्हा, सांसद और विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया। और ऊपर हम दिखाएंगे लाइब्रेरी को, थोड़ा ऊपर चलेंगे कैमरामैन के साथ। ये देखिए लाइब्रेरी किस तरह बनी हुई है आज, और 1922 की लाइब्रेरी है आज, लगभग 100 साल हो चले हैं लाइब्रेरी को। और ये देखिए लाइब्रेरी का मैगजीन का कॉर्नर है, ये देखिए, ये लाइब्रेरी दिखाना चाहेंगे। अलग अलग कंपटीशन के यहाँ पर किताब रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर आगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए सबसे सुंदर जो बनाया गया है, एकदम ऊपर में क्लेवर इसका डाला गया है। एक बेटी एक लड़की पढ़ाई कर रही है अपने फ्यूचर को लेकर, यहाँ बनाया गया बहुत सुंदर बनाया गया है। ये देखिए आपको लाइब्रेरी का, तो इसी बहुत सुंदर हो चुका है। हजारीबाग सबसे पुराना लाइब्रेरी है एक मणि भवन। कुछ छात्राओं से हम बातचीत करेंगे, आइए। यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं कुछ छात्राएँ, कब से आ रहे हैं आप लाइब्रेरी? हम तो अभी नया नया ज्वाइन किए हैं, 2 महीना पहले से आ रहे हैं। इसके पहले बहुत 2 साल से लगभग बहुत पहले से चल रही है, हम लोग अभी नया नया ज्वाइन किए हैं। कैसा लगा मतलब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके पहले झील के पास हम लोग 2 महीना तक, अभी 3 महीना तक थे वहाँ, और उस समय यहाँ रिपेयरिंग हो रही थी, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारे नए किताब, कल DC सर मैडम आई थी और SP सर लोग भी थे, तो किताब का विवेचन भी हुआ है यहाँ पे। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम झारखंड CGL का तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष हुआ। CGL की तैयारी कर रहे हैं आशीष जी, पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ छात्राएं से हम बातचीत करेंगे, क्या चीज़ तैयारी कर रही है, क्या चीज़ तैयारी हो रहा है उन लोग से पूछिए ना। अब क्या तैयारी हो रहा है CGL सचिवालय? बहुत अच्छा लग रहा है। कल के बाद अच्छा लग रहा है, किताब नया आया है? हाँ, सारा न्यू एडिशन का बुक्स प्रोवाइड हो चुका है। तो अधिकतर जो छात्राएं यहाँ पर दिख रही है, जैसे CGL का परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक और भैया है, यहाँ पर हम बात करेंगे। SSC जी कम्फर्टेबल है, सब चीज़ अच्छा है। यहाँ 8 घंटे ऐसे तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है, बट अपने हिसाब से है, जिसको जितना देर पढ़ना है उस हिसाब से सब अपना पढ़ते हैं। कितना बजे बोले? सुबह 8 बजे से हाँ, रात 8 बजे तक। कहाँ से आया? हम तो यही झंडा चौक के पास से हैं। चलिए ठीक, सुबह लाइब्रेरी खुलती है 8 बजे और शाम को रात को 8 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर लोग पढ़ाई करने आते हैं, बहुत सारे छात्राएं यहाँ पर दिख जाएंगे, छात्र दिख जाएंगे तैयारी कर रहे हैं। और जो किताब उपलब्ध है, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आराम से सुविधा मिल गई है। और यहाँ पर जो स्टाफ है उन लोगों से हम जानेंगे यहाँ पर कब से लाइब्रेरी चल रहा है। और इस लाइब्रेरी भैया, ये लाइब्रेरी कब से आप यहाँ पर हैं और कब से चला रहे हैं लाइब्रेरी? हम चला तो नहीं रहे हैं, मतलब देख रेख कर रहे हैं। हम 85 से यहाँ काम कर रहे हैं। 85 से? क्या नाम हुआ? प्रभु माता। तो जो कल उद्घाटन हुआ उसके बाद लाइब्रेरी में क्या कुछ और क्या क्या बढ़ गया है, सुविधा क्या उसमें मिल रही है? सुविधा वाईफाई लग गया है, बॉल बत्ती ज़्यादा लग गया है। किताबें तो अभी नया नहीं आया है। कब तक आने का उम्मीद है? बच्चे फंड आएगा तो आएगा। यहाँ पर प्रभु महतो जी है, वो काम कर रहे हैं लगभग 87-88 से है। वो बता रहे थे कि बहुत सारा बदलाव आ गया लाइब्रेरी में। और यहाँ पे देखिए, हम
लाइब्रेरी के पीछे चलेंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे बहुत सारा तब्दीली आई है। ये देखिए, देखिए एक नया बदलाव चेंज आ गया है। ये देखिए इंग्लिश कुछ कुछ बनाया गया है, ये सब चीज़ों को पुरानी किताबों को भी रखा गया अच्छे से, कुछ कोटेशन डाला गया बहुत अच्छा अच्छा यहाँ देखिए, हंसना संघर्षों से भी ज़रूरी है, कमला भसीन जी ने लिखा है बहुत अच्छा। कुछ और कोटेशन यहाँ लिखा है कि दुनिया डरती है उन औरतों से जो औरतें दुनिया से भी नहीं डरती है, राम कुमार का लिखा हुआ है। एक और कोटेशन है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, दुष्यंत कुमार का। और पुरुष शौचालय भी यहाँ पर बनाया गया अच्छा से, अब देखिए पानी की सुविधा दी गई है छात्राओं के पढ़ने के लिए, तो बहुत सारी सुविधा दी गई है यहाँ पर। एक बगीचा को दिखाया गया एक पेड़ को, कि देखिए किताबों को सजाकर बहुत अच्छा, क्योंकि किताब एक ज्ञान का बगीचा समान है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर बनाया गया, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया गया है। अब मैं लाइब्रेरी का आपको जो शुरुआती और जो मेन डोर है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत बना दिया गया है, वेलकम टू रुक्मणी भवन है ये, और कितना सुंदर लग रहा है ये लाइब्रेरी का दृश्य। ये देखिए थोड़ा आगे दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ से देखिए कितना सुंदर लाइब्रेरी अब लग रहा है। तो ये लाइब्रेरी बहुत सुंदर बन चुका है और सारी किताबें उपलब्ध हैं। मैं इस साइड भी दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर कितना बुक्स आर द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस लिखा हुआ है, और बहुत अच्छा मतलब बना दिया गया है। मैं कुछ और किताबों का सेक्शन आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन किताबें यहाँ पर उपलब्ध है अलग अलग सेक्शन में। ये देखिए इधर से मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले मैं देखिए देखिए कुछ लॉ की यहाँ किताबें विविध लिखा हुआ है, साहित्य की किताबें हैं और अलग अलग टेलीविज़न निर्माण प्रक्रिया कुछ कुछ अलग अलग किताबें यहाँ पर है। इसके अलावा भी यहाँ ऊपर में मैनेजमेंट लिखा हुआ है, प्रबंधन की किताबें मैनेजमेंट की किताबें हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग की किताबें हैं, और हिस्ट्री देखिए हिस्ट्री की किताबें यहाँ पर बहुत सारी हैं। देखिए कौन कौन सी किताबें हैं, ये देख सकते हैं, और एग्रीकल्चर की भी किताबें यहाँ पर है उपलब्ध है इस लाइब्रेरी में, लिटरेचर है, लॉ है, बहुत सारी किताबें हैं। कुछ और छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, देखिए लक्ष्मीकांत का किताब है यहाँ पर सिविल सर्विस का। कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर? एक साल हो रहा है। एक साल हो गया, क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं अभी? JCC का सीजल। सीजल हो जाएगा लग रहा है। मैं सीजल का नहीं कर रही हूँ। किस चीज़ का? बस झारखंड का ही कर रही हूँ, बट अभी सीजल का फॉर्म नहीं भर पाए। कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो किताबें आपको मिल रही है कैसा? अच्छा लगता है। कल के बाद कैसा लग रहा है, लाइब्रेरी बदल गया? बहुत अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और सारा सुविधा। सुबह या शाम आते हैं? सुबह ही आते हैं। सुबह अभी शाम में आए? नहीं शाम में नहीं, सुबह से ही है। सुबह से ही मतलब यहीं पर है? हाँ 10 बजे से। चलिए ठीक है, टाइमिंग यदि बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहता। क्या बोला जाए टाइमिंग जो है अभी 8 से 8 किए हुए हैं। मैडम आई थी कल, उपायुक्त महोदय, तो 8 से 8 की हुई थी। हम लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हो सके यदि टाइम बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता। और ये जो छोटा छोटा त्यौहार जो होता है उसमें भी बहुत सारा छुट्टी हो जाता हम लोग का, और एग्ज़ाम यहाँ पढ़ने नहीं मिलता नहीं, उस टाइम बंद रहता। संडे को तो खैर है ही, लेकिन छोटा छोटा त्यौहार में भी ओपन यदि हो जाता तो बहुत अच्छा रहता हम लोग के लिए, चूँकि एग्ज़ाम जैसे से ऐसा सा कैलेंडर जारी किया कि एग्ज़ाम हम लोग बहुत नज़दीक है। मेरा मुकेश कुमार। क्या तैयारी कर रहे हैं अभी? हम तो टीचर का तैयारी कर रहे हैं। टीचर PGT? नहीं, वो JTET का। JTET ना, अभी तो CTET का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। मुकेश जी का कहना है कि यहाँ पर टाइमिंग बढ़ना चाहिए और लगभग संडे को भी लाइब्रेरी खुलना चाहिए, इनका मांग है। आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? PGT का तैयारी। किस सब्जेक्ट? इंग्लिश का। इंग्लिश का, इंग्लिश से भी तैयारी लोग कर रहे हैं PGT का यहाँ पर। तो ये लाइब्रेरी तो मैंने आज दिखाया आप लोग को, और लाइब्रेरी का ऐसा दृश्य था कि हजारीबाग में यहाँ पर दूर दूर से छात्राएँ यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, और जो किताब है यहाँ उपलब्ध है, और लाइब्रेरी का जो दृश्य है वो माहौल बदल चुका है। खबरें हजारीबाग के लिए मोहम्मद फजल, धन्यवाद।